सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर राजेश यादव का स्नेह भरा प्रणाम। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था रीजनिंग, और रीजनिंग में नंबर सीरीज को हमने शुरू किया था। आपने देखा था कुछ सवाल हमने किए थे, और उसी क्रम में कुछ सवाल लेकर आज पुनः आपके साथ हाजिर हूँ मैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये बेहद आसान टॉपिक है। आपने देखा था कि कुछ सवाल जो देखे उनमें पैटर्न यदि समझ में आ गया तो प्रश्न बिल्कुल आसान है, और यदि पैटर्न में हम उलझ गए, पहली बात है पैटर्न को हमें देखना है और समझना है सभी प्रकार से, सर्वसंभव जो उसमें पैटर्न हो सकता है उसके बारे में हमें विचार करना है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, इसमें देखते हैं 1, 4, 10, 22 और 46। एक के बाद चार, सबसे पहले अंतर देखेंगे हम, 3 का अंतर है, उसके बाद 4 और 10 के बीच में देखें 6 प्लस की हुआ है, अंतर का मतलब आप देख सकते हैं बढ़ रहे तो प्लस हो रहा है, 10 और 22 के बीच में प्लस 12 है, 22 और 46 के बीच में प्लस 24। अब यहाँ तो देखने पे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ देखकर आपको महसूस हो जाना चाहिए भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चल क्या रहा है। देखें 3, 6, 12, 24, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 2 से किया 12, 12 को फिर 2 से किया 24, और फिर 24 को हम 2 से करेंगे तो यहाँ होगा 48, 48, और 48 यहाँ आ गया तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो हमारा आंसर होगा 94। बिल्कुल इजी है, एक बार अंतर देखते ही पता हो गया कि इसमें क्या आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये नीचे करके बता भी रखा है, आप देख सकते हैं। अगला है 2 ये पॉइंट में है, पॉइंट्स में भी आपको बिल्कुल सहज महसूस करना है, कोई कठिनाई नहीं होगी इसमें, आप आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहला काम हमें वही करना है, इनके बीच का अंतर देखना है। वैसे तो देखने पर हमें महसूस नहीं हो रहा भी क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब अंतर देखेंगे तो शायद हमें अंतर देखते पता हो जाए, और अंतर देखते नहीं पता होगा तो उसके बाद दूसरी प्रोसेस देखेंगे। चलिए इसका और इसका बीच का अंतर 0.05 या 0.05 कह सकते हैं। अगली जो संख्याएं हैं इनके बीच में 0.10, अगली जो संख्या है उनके बीच में 0.15 और 5। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस दर से बढ़ रहा है अंतर, बस वही हमें प्लस करना है, और प्लस क्या करना है इसमें 0.20। 8 में जब 0.20 ऐड करेंगे 0.8 में 0.2 ऐड करेंगे तो स्वाभाविक है 1.00, यानी हमारा आंसर होगा 1। बिल्कुल क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसमें भी सबसे पहला काम हम वही करेंगे जो हमें करना है, अंतर, यहाँ पर अंतर 1 का, यहाँ पर अंतर 3 का, यहाँ पर अंतर 6 का, और फिर यहाँ आके अंतर नहीं है। अब आप देखें अंतर कोई निश्चित क्रम में नहीं बढ़ रहा है, न प्लस बराबर हो रहा है, यहाँ +2 करें तो यहाँ +3, ठीक है, यहाँ +4 करके देखें ये तो हो रहा है, वेरी गुड, एक सीरीज बन रही है, यानी 1 में +2 किया तो अगला अंतर आ गया, फिर उसमें +3 किया तो अगला अंतर आ गया, उसमें +4 करते हैं अगला अंतर आ रहा है, 10, 25, और उसमें यहाँ अंतर 10 का है, 10 में +5 करेंगे तो 10 और 5, 15, इसमें प्लस करने पे ये हमारा 15,
सॉरी 40 आ जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये हमारा आंसर हो गया 25। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, एक तो ये तरीका हो गया भाई अंतर देखकर, अंतर के बीच का जो संबंध हमने जाना उससे पता चला कि भाई यहाँ पे 25 आएगा, 25। दूसरे तरीके से एक को छोड़ के दूसरे के साथ संपर्क, दूसरे का चौथे के साथ संपर्क, तीसरे का फिर पांचवे के साथ संपर्क और चौथे का फिर छठे के साथ संपर्क। इस तरह से हम देखे संबंध, 5 और 9 के बीच में अंतर 4 का, 6 और 15 के बीच में अंतर 9 का, 9 और इसके बीच में पता नहीं कितने का होगा, 15 और 40 के बीच में अंतर 25 का। अब देखें आप 4, 9 और 25 को देख के आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि 4, अरे ये तो 2 का वर्ग होता है, स्क्वायर है 2 का, ये 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर होगा मतलब 16, और 16 इसमें ऐड करोगे तो हमें यहाँ संख्या मिलेगी 25। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जिस जो तरीका दिमाग में पहले आ जाए, ये नहीं कि एक तरीका फिक्स है, नहीं, जिस तरीके से उसका संबंध संख्याओं का हमें समझ में आ जाए, उनका संख्याओं का रिलेशन हमारे समझ में आ जाए, वही बिल्कुल सही तरीका होता है। चलिए अगला प्रश्न, और थोड़ा सा लीक से हटके चलिए देखें। सबसे पहले अंतर, यहाँ पर अंतर 1 का, यहाँ पर अंतर 2 का, यहाँ फिर 2 का, यहाँ फिर 4 का, और फिर यहाँ नहीं पकड़ पा रहे हम, फिर वही गड़बड़ है भाई, 1 फिर 2, यहाँ +1 हुआ, यहाँ +0 हुआ, यहाँ +2 हुआ, कुछ चक्कर बैठ नहीं रहा भाई अंतर से, तो क्या हो सकता है। चलो इन संख्याओं को ध्यान से देखो आप एक बार, 2 है, 3 है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, 17, भाई विषम संख्याएं भी नहीं है क्योंकि 2 शामिल हैं, बाकी सारी विषम संख्याएं हैं, ये भी नहीं है भाई, तो क्या अभाज्य संख्याएं हैं सभी है? देखें क्या ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, यदि हाँ तो ऑप्शन में देखें आप, क्या 12 अभाज्य संख्या होती है, नहीं होती, 13 होती है, 14 नहीं होती, 15 नहीं होती, तो हमारा उत्तर होगा 13, यानी 11 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होगी वो हमारी अभाज्य संख्या होती है 13। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न थोड़ा सा हटके था, अभाज्य संख्याएं हैं सभी, अगली अभाज्य संख्या 11 के बाद में 13 होगी, ये हमने देखा। अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा और टफ सा लग रहा है, चलिए अंतर देखते हैं, अंतर से शायद कुछ समझ में आ जाए। 4 और 9 का अंतर है 5, 9 और 25 का अंतर है, देखें 25, देखें आप कितना अंतर है, ये तो भाई 16 का अंतर हो गया, 16 यहाँ पर अंतर देखें तो 1, 8, 4, 48 का अंतर है, यहाँ देखें तो अंतर हमारा होता है 2, 1, 120 का अंतर है, और यहाँ देखें तो 2, 5, 15 में से 7, ये 72 का अंतर है, अंतर से तो बात नहीं बनती दिख रही, तो क्या करें। चलिए इन संख्याओं को दोबारा गौर करते हैं, अंतर से तो कोई हमें समझ में नहीं आ रहा, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, नहीं बैठ रहा, चलिए दोबारा से देखते हैं, ध्यान करो उसमें क्या हो सकता है। 4, 9, 25, 121, 169, 289, 361, ये तो मुझे लग रहा है वर्ग संख्याएं हैं, वर्ग संख्याएं, चलिए स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
ये 5 का स्क्वायर, खालिस्तान, और ये भाई 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, और ये 17 का स्क्वायर है, और ये 19 का स्क्वायर है। देखें इन संख्याओं को, देखने से कुछ आ रहा है समझ में? इन संख्याओं में रिलेशन अभी हमने जस्ट पिछले सवाल में देखा था। देखें आप, सारी अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का वर्ग यहाँ किया जा रहा है। तो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, और 5 के बाद में किसका वर्ग? 7 का वर्ग। 7 का वर्ग जब हम करते हैं तो 7 7 7 49, 49 यह आंसर सही होगा इसका, 49। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में फिर से कुछ अंतर बड़ा दिख रहा है मुझे, यहाँ 8 का अंतर या फिर 16 का अंतर, 8 2 16, ठीक है कुछ बढ़ रहा है, 25, फिर 24 का अंतर, फिर 30 तो 32 का अंतर, बिल्कुल आसानी से पकड़ में आ रहा है, ठीक है। अब अगला जो अंतर होगा ये 40 का अंतर होना चाहिए। कैसे? आप देखें, 8 के गुणज हैं सारे, 8 2 16, 8 3 24, 8 8 4 32, और 8 5 40, 8 5 40, और 40 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 121। जी हाँ, 121, और हमारा आंसर होगा सी, 121, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम कहें, एक और हो सकता है, देखें, एक का घन क्यूब, 3 का घन यानी क्यूब, 5 का घन यानी क्यूब 25, फिर 7 का घन यानी क्यूब, फिर ये 9 का घन, 9 का नहीं है, सॉरी, क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर, स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर ये 5 का स्क्वायर, फिर ये 7 का स्क्वायर, फिर ये 9 का स्क्वायर। अब आप देख लें, अगला होगा 11 का स्क्वायर। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं आ रही हैं, और विषम संख्याओं का स्क्वायर यहाँ बताया जा रहा है। विषम संख्याएं क्रम से बढ़ती जा रही हैं और उनके स्क्वायर आते जा रहे हैं, तो इस हिसाब से 121, 121 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में फिर कुछ सीरीज अटपटी सी लग रही है हमें। देखें, 0 का अंतर है या 3 का अंतर है या फिर 4 का अंतर है, फिर या 1 का अंतर है, और यहाँ पर हम देखें 18 का अंतर है, और यहाँ माइनस नौ हो रहे हैं, माइनस ग्यारह हो रहे हैं, यानी कहीं इससे कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, तो अब क्या करें? कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा भाई। देखें, 1 1, फिर 4 8, फिर 9 27, देखें इनको कुछ देखने से लग रहा है आपको कि ये क्या हो सकता है। ये 2 का वर्ग हो सकता है स्क्वायर, और ये 2 का क्यूब, देखें आप, ये 3 का स्क्वायर और ये 3 का क्यूब, 3 3 9 9 3 27, ठीक है, ये 1 के स्क्वायर और 1 का क्यूब हो सकते हैं, ठीक है, 1 का 2 का 3 का, तो स्वाभाविक है 4 का, और उसमें से ये स्क्वायर तो आपके सामने है ही, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 चौक 16 16 चौका 64, ये 4 का क्यूब यहाँ पर आएगा, 4 का क्यूब यहाँ आएगा, और आंसर होगा 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल
इन प्रश्नों में यही होता है कि अगर आपको इनका रिलेशन समझ में आ गया तो आपने समझ लो प्रश्न को हल कर दिया, और अगर रिलेशन समझने में गड़बड़ हुई तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें चार चार के बाद 12 अंतर है हमारे 8 का, और आगे चलें तो 24 का अंतर है। उसके बाद अंतर को हम देखें तो 72 का अंतर है, अंतर बढ़ रहा है, अंतर कुछ इस तरह से बढ़ रहा है। 8 3 24 और 4 2 4 3 12। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 12, 12 को मल्टीप्लाई करें 3 से 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें 108, और 108 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 8 3 24 और 3 एकम 3, आंसर होगा 324, 324, और हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। प्यारे विद्यार्थी, ये थे कुछ सवाल, और इसी प्रकार के सवाल देखने के लिए, समझने के लिए, इनका अभ्यास करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।